A very sweet morning to all of you. It is your GK class. Today I will teach you chapter 47. Chapter name is famous autobiographer means प्रसिद्ध autobiographer means जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है. Now let's start the chapter. Identify these famous autobiographers with the help of treasure hints. यहाँ कुछ famous ऑटोबायोग्राफर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. आपको आइडेंटिफाई करना है उसकी नेम को और राइट करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. शी वाज अ डायरिस्ट एंड राइटर. शी वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड ज्यूइश विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट. हर वार टाइम डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल हैज बीन द बेसिस ऑफ सेवरल प्लेज एंड फिल्म एंड हैज सिंस बीन ट्रांसलेट इनटू ओवर 60 लैंग्वेजेस. मीन्स वह एक डायरिस्ट और लेखिका थी. वह एक जब प्रलय के समय सबसे चर्चित जो यहूदी पीड़ित थे उनमें से एक थी. उनकी जो युद्धकालीन डायरी थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल कई नाटकों और फिल्मों का आधार रही. मीन्स उसके बेस पर कई नाटक और फिल्में बनी और तब से इनका 60 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका था. इनका नेम है एनी फ्रैंक. सो यू विल राइट हियर द नेम. नाउ सेकंड, ही वाज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्टहाइड रेवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999. ही वाज आल्सो द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री. ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये जो थे दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी विरोधी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और परोपकारी थे. उन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया. वे अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी थे. इन्होंने अपनी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को लिखा. इनका नेम है नेल्सन मंडेला. सो यू विल राइट हियर द नेम. नाउ थर्ड, He was an American writer. He is best known as the author of the 1976 book Roots, The Sage of American Family. It was adapted by ABC as a TV miniseries of the same name and aired in 1977 to record breaking 130 million viewers. He wrote his autobiography Malcolm X. वह एक अमेरिकी लेखक थे जिन्होंने 1976 की पुस्तक रूट्स द सागा ऑफ अमेरिकन फैमिली के लेखक के रूप में जाना जाता है. इन्हें एबीसी द्वारा एक टीवी के रूप में रूपांतरित किया गया उसी नाम से जो मिनी श्रृंखला थी और 1977 में रिकॉर्ड तोड़ 130 मिलियन व्यूवर्स थे. उन्होंने अपनी आत्मकथा मैलकम एक्स को लिखा. इनका नेम था एलेक्स हेली. Now fourth, he was a statesman, diplomat, writer, scientist and inventor of one of the most versatile and talented men in colonial America. He was one of the founding fathers of the United States and in many ways was the first American. He wrote his autobiography, The Autobiography of Benjamin Franklin. वह एक राजनेता, राजनयिक, लेखक, वैज्ञानिक और आविष्कारक थे. औपनिवेशिक अमेरिका के सबसे बहुमुखी और प्रतिभाशाली पुरुषों में से एक थे. वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया. इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नेम था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन. सो द नेम ऑफ द राइटर इज बेंजामिन फ्रैंकलिन. सो यू विल राइट हियर द नेम. नाउ फिफ्थ, ही इज एन अमेरिकन म्यूजिशियन बेस्ट नोन एज द वोकलिस्ट लिरिसिस्ट ऑफ द बैंड रेड Hot Chili Peppers, with whom he has fronted since their inception in 1983. The band has recorded 10 studio albums and remember, he was an inductee into the Rock and Roll Hall of Fame in 2012. He wrote his autobiography, Scar Tissue. वह एक अमेरिकी संगीतकार थे जिन्हें बैंड रेड हॉट चिली पेपर्स के गायक संगीतकार के रूप में जाना जाता है. जिनके साथ इन्होंने 1983 में अपनी स्थापना के बाद मोर्चा संभाला था. बैंड ने 10 स्टूडियो एल्बम रिकॉर्ड किए हैं और एक सदस्य के रूप में शामिल थे ये. और 2012 में द रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम बनाया. इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो थी स्कैट शूज. इनका नेम है एंथोनी किडीज. सो यू विल राइट हियर द नेम.
Now, sixth, he is an American retired professional tennis player and found world number one, who was one of the game's most dominated players from the early 1990s to the mid 2000s. He is husband of famous tennis player Steffi Graf. He wrote his autobiography, Open and Autobiography. वह एक अमेरिकी सेवानिवृत्त पेशेवर टेनिस खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर वन हैं, जो 1990 के दशक के मध्य में 2000 के दशक तक खेल के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहे थे। इनकी जो ये प्रसिद्ध जो टेनिस खिलाड़ी थी स्टेफी ग्राफ, उनके हस्बैंड थे। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ओपन एन ऑटोबायोग्राफी। इनका नेम है एंड्रे अगासी। सो यू विल राइट हियर द नेम। नाउ सेवन, ही इज एन अमेरिकन ऑथर of several autobiographical and self-help books. He is best known for his 1995 Memories of Childhood Abacus, A Child Called It is the unforgettable story of a child whose courage and unyielding determinations enabled him to survive extreme life-threatening odds. Means, वह कई जो autobiographic थी, आत्मकथा मक और स्वयं सहायता पुस्तकों के अमेरिकी लेखक हैं। उन्हें अपने 1995 के बचपन के संस्मरण अ चाइल्ड कॉल इट इट के लिए जाना जाता है। एक बच्चा जो जिसे इट कहा जाता है, एक ऐसे बच्चे की अविस्मरणीय कहानी जिसके साहस और अडिंग दृढ़ निश्चय से उन्हें अत्यधिक जो जानलेवा संकट थे उसे बचे रहने में सक्षम बनाया। इनका नेम है डेविड जेम्स प्लेजर। सो यू विल राइट हियर द नेम। Now, eighth, he is a Romanian-born Jewish American professor and political activist. He is the author of 57 books, including Nights, a work based on his experiences as a prisoner in the Auschwitz, Buna, and Buchenwald concentration camp. His autobiography is Night. वह एक सेमिनाई जनित यहूदी अमेरिकी प्रोफेसर और राजनीतिक कार्यकर्ता है। वे 57 पुस्तकों के लेखक हैं, जिन्होंने नाइट, ऑशनवेट्स, बुना और बुचेन वर्ल्ड एकाग्रता शिविर में इसे एक कैदी के रूप में उनके अनुभवों पर आधारित थी। उनकी जो आत्मकथा है नाइट्स है, इनका नेम है एलिजर विसेल। सो यू विल राइट हियर द नेम। नाउ नाइन्थ, ही वॉज एन इट इज अमेरिकन टीचर एंड राइटर बेस्ट नोन फॉर एंजेलिना एसिस Tragicomic Memories of Misery of Squalor of his childhood, for which he won a Pulitzer Prize. He received the Pulitzer Prize in 1997 and National Book Critics Circle Award in 1996 for his memory, Angelina Essays, which details his childhood as a poor Irish Catholic in Limerick. वह एक अपरिश अमेरिकी शिक्षक और लेखक थे जो एंजेलिना एसिस के लिए जाने जाते हैं, जो कि उनके बचपन के दुख और दुख का एक दुखद संस्मरण है, जिसके लिए उनके पुलित्ज़र पुरस्कार जीता। 1997 में उनका संस्मरण एंजेलिना एसिस ने के लिए उन्होंने 1997 में पुलित्ज़र पुरस्कार और 1996 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड मिला, जिसमें लिमरिक में एक गरीब आयरिश कैथोलिक के रूप में उनका बचपन का विवरण मिलता है। इनका नेम है फ्रैंक एम सी कोट। सो यू विल राइट हियर द नेम। Now 10, he was an African-American educator, author, orator and advisor to President of the United States between 1890 and 1915. He was the dominated leader in the African-American community. In his autobiography, Up From Slavery, he had opened his heart. वह एक अफ्रीकी अमेरिकी शिक्षक, लेखक, संचालक और 1890 से 1950 के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के सलाहकार रहे थे। वह अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपनी जो आत्मकथा थी अप इन स्लेवरी में अपने दिल को खोलकर रख दिया था। इनका नेम था बुकर टी वॉशिंगटन। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। कीप प्रैक्टिस ऑफ ऑल एक्सरसाइज एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू।